यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सीतापुर पहुंचे। सीएम ने श्री राजेश्वरी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शिरकत की। सीएम ने इस कार्यक्रम में संबोधित भी किया। सनातन धर्म से विश्व का कल्याण होगा। नैमी शारण्य में हजारों ऋषियों ने साधना की। उन्होंने कहा कि धर्म एक शाश्वत व्यवस्था है, धर्म से हम कर्तव्य का पालन करते। तो सीतापुर पहुंचे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अहम खबर आपको दे रहे, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम और इस दौरान उन्होंने संबोधन भी दिया। मुख्यमंत्री ने राजेश्वरी मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शिरकत की और कार्यक्रम को मुख्यमंत्री ने संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म से ही विश्व का कल्याण होगा। सीतापुर पहुंचे थे मुख्यमंत्री। केवल लोगों की भीड़ आ रही है, उन्होंने कहा साहब हमारा बिजनेस एक सप्ताह में ही 30 गुना बढ़ गया है, अब आप अनुमान कर लीजिए। तो यही होता है, जब अच्छा कार्य होता है तो समाज का हर तबका उससे लाभान्वित होता है। यज्ञ भी होता है तो यज्ञ में हर तबका लाभान्वित होता है, एक राजमिस्त्री से लेकर के एक श्रमिक से लेकर के एक यज्ञाचार्य तक, हर एक को पुण्य प्राप्त होता है और उस पुण्य के साथ हम सब भी सहभागी बन सकें। इसलिए राष्ट्र निर्माण की जो प्रवर्तमान अभियान है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्यक्रम देश के अंदर चल रहे हैं, उसका उद्देश्य एक ही है, हम सबके लिए जाति पंथ भेष भूषा खान पान इन सबसे ऊपर उठ करके हम सब अपने देश के बारे में सोचें। मैं धार्मिक इसलिए हूं क्योंकि मुझे देश के लिए कार्य करना है, क्योंकि देश हमारे लिए पहले है और इस देश से हमें सब हम सब कार्य करेंगे। मेरी साधना इसलिए वो देश के हित में लगे, मेरा वैभव इसलिए वो देश के हित में लगे। जिस दिन हर भारतवासी इस प्रकार के भाव के साथ कार्य करना प्रारंभ कर देगा, याद रखना भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित होने से कोई रोक नहीं सकता है, कोई रोक नहीं सकता है। और हम सबको उस दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। यहां पर मैं पूज्य संतों के चरणों में एक बार पुनः प्रणाम करता हूं, जिन लोगों ने बड़ी पवित्र भावना के साथ यहां पे इतने दूर स्थल पर भी, थोड़ी सी दूरी पे के बावजूद भी, संसाधनों के अभाव में भी, प्राचीन अरण्य संस्कृति को पुनर्स्थापित करते हुए इस राजेश्वरी आश्रम और देवी के इस भव्य विग्रह को यहां पर स्थापित करने का योगदान किया है। और मैं उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि यह पवित्र धार्मिक आयोजन है, लोक कल्याण के लिए है, राष्ट्र कल्याण के लिए है। लोक कल्याण का अंततः उद्देश्य राष्ट्र कल्याण होता है और राष्ट्र कल्याण का उद्देश्य भी लोक कल्याण से जुड़ा हुआ, एक दूसरे के पूरक, इन दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए जो पवित्र कार्य हो रहा है, इस पवित्र कार्य के साथ सरकार भी हर प्रकार का सहयोग और सपोर्ट करेगी। मैं इस बात के लिए पूज्य स्वामी जी को और यहाँ के पूज्य संतों को आश्वस्त करता हूं। यहां पर अन्य पूज्य संत जन भी हैं, उन सब की साधना राष्ट्र कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए लगे, इस विश्वास के साथ मैं उन सबको हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप भी इस नैमिष धाम को भव्य स्वरूप प्रदान करने में अपना योगदान देंगे। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं और श्री श्री राजेश्वरी देवी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए उनका कल्याण हमारे राज्य पर, हमारे प्रदेशवासियों पर और देशवासियों पर निरंतर बनी रहे, इस बात की प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं।